हेलो एंड वेलकम टू द शो, मैं हूं पराग छापेकर, जो आपको बताता है बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्मों का हाल। तो इस हफ्ते रिलीज हुए डायरेक्टर देवेंद्र भोजानी की फिल्म कमांडो 2। कमांडो 1 आई थी, उसी का सिक्वल है। कमांडो 1 बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही मैच्योर तरीके से बनाई गई फिल्म थी। उसी चीज का अभाव कमांडो 2 में लगता है। कई स्क्रीन प्ले में कई सारे जर्क्स आपको नजर आते हैं। स्टोरी अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा था। कमांडो 1 से एक स्टेप आगे जाकर स्क्रिप्ट सोची गई, उसको कॉन्सेप्ट सोचा गया। मेकिंग में बहुत सारी एमेच्योर चीजें नजर आती है, उसका कहीं लॉजिक नहीं। हालांकि मैं फिल्म लिबर्टी को मानता हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लॉजिकल कन्विंसिंग आपको फिल्म बनाना पड़ती है, उसका अभाव नजर आता है। कुल मिलाकर ये बहुत ज्यादा रोचक और सटीक फिल्म मुझे नहीं लगी। अगर मैं परफॉर्मेंस लेवल की बात करूं तो विद्युत जामवाल ने बहुत कमाल के स्टंट्स इसमें किए, लेकिन वो स्टंट्स कहीं कहीं यूजलेस मालूम होते कि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए गए। ईशा गुप्ता ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अदा शर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी के कलाकारों ने भी अपने अपने किरदारों को सही ढंग से निभाया। लेकिन फिल्म का घालमेल ऐसा है कि ये एक परफेक्ट फिल्म नहीं बन पाती। मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 1.5 स्टार। दिस इज विद्युत जामवाल फॉर ऑल द बॉलीवुड अपडेट्स, वॉच दैनिकजागरण.com।